हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आवर्धन क्या होता है, अर्थात मैग्निफिकेशन क्या होता है। जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम एम से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन को ही हम लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आदि नामों से भी जानते हैं। मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं और एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HIH O। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा हाइट है उसको हम विद साइन के साथ लेंगे, अर्थात यहां जो है हमारा विद साइन। अब लोग कहेंगे हाइट तो क्या साइन होगा, तो हम लोग बताए थे साइन कन्वेंशन में पढ़े थे कि जो भी हमारा डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेके दुनिया सदैव नेगेटिव होती है। तो यही होता है हमारा HIH O में जो भी हम डिस्टेंस लेंगे विद साइन लेंगे, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ली गई दुनिया पॉजिटिव होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली गई डिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो अब हमारे पास यहाँ दो फिगर है, ये और ये। तो देखते हैं फिगर फर्स्ट में इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। यहाँ एम इक्वल टू हो जाएगा आपका HIH O, अर्थात हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देख रहे हैं हमारा जो इमेज का हाइट है वो है 1 मीटर I डैश, यहाँ हमारा हो जाएगा A। लेकिन देख रहे हैं इमेज जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर का है, ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ देख रहे हैं इसका कोई यूनिट नहीं है, तो हमको पता है कि अनुपातिक राश का कोई भी मात्रक नहीं होता, अर्थात अगर यहाँ हम इसको लिख देंगे मीटर और इसको भी मीटर लिख देंगे, अर्थात मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। यह होता है आपका यूनिट लेस होता है। अब यहां देख रहे हैं हमारा ये निगेटिव आ रहा है, जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो हमारा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव साइन हमें यह दर्शा रहा है कि जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो अपराइट प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो रियल इमेज प्राप्त हो रहा है। अब दूसरे में हम देखते हैं एम इसका क्या होगा, तो एम इसका हो जाएगा हमारा HIH O, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देखते हैं HI क्या है, यहाँ पे जो हमारा HI है वो है 3 मीटर। अब यहाँ हम 3 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है अपॉन HO जो है हमारा वो है 1 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ जो हमारा मैग्निफिकेशन प्राप्त हो रहा है वो पॉजिटिव है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा होगा वर्चुअल इमेज होगा। पॉजिटिव साइन हमें ये दर्शा रहा है जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो वर्चुअल है, और ये 3 हमें ये दर्शा रहा है कि जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो वस्तु का 3 गुना है। मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा ये दर्शाता है कि जो हमारा इमेज है वो वस्तु का कितना गुना है। यहाँ जो था वो इमेज वो वस्तु का आधा प्राप्त होता है, अर्थात इमेज अगर 4 मीटर है तो वस्तु की जो हाइट होगी वो 8 मीटर होगी,
ये हमारा अगर यहाँ कोई 8 मीटर की वस्तु रखेंगे तो इमेज जो हमारा प्राप्त होगा वो 4 मीटर का होगा, आधा हाफ, ये हाफ है, मैग्निफिकेशन यही हमारा दर्शा रहा है कि जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो हाफ है। यहाँ 3 दिखा रहा है मैग्निफिकेशन, अर्थात कोई वस्तु है अगर यहाँ 1 मीटर का है, इमेज जो हमारा प्राप्त होगा उसका 3 गुना अर्थात 3 मीटर प्राप्त होगा। तो मैग्निफिकेशन यही दर्शाता है कि जो वस्तु का कितना गुना इमेज प्राप्त हो रहा है। अगर इसका हम एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात करें तो होगा मैग्निफिकेशन का कि मिरर द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। तो ये थे इसके कुछ फैक्ट। तो अब देखते हैं आगे हम लोग मैग्निफिकेशन के एक और फार्मूला पढ़े हैं, एम इक्वल टू होता है एच आई अपान एच ओ, एक फार्मूला और होता है माइनस वी अपान यू। तो इस ये कहां से आता है इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि माइनस वी अपान यू कहां से आता है। ये तो पता है कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो होता ही है, लेकिन इसको प्रूफ करके लाया जाता है जो कि अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेंगे क्योंकि फिगर की सहायता से हम लोग प्रूफ करेंगे। ये हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब ये हो जाएगा एक हमारा ये क्रिस्पल एक्सिस, यहां पर हो जाएगा आपका मुख्य फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि ओ डैश है। अब यहां से एक लाइट रेज निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एक से ऊपर जा रही है। दूसरी लाइट रेज जो कि हमारा पोल पे गिरता है, अब ये हो जाएगा हमारा थीटा। यहां पे जो हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस वो हमारा नॉर्मल अर्थात अभिलंब का काम करेगा, ये जो है हमारा पोल पे गिरेगा और यहां से थीटा एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो कि ये नॉर्मल का काम करेगा अभिलंब का। अब यहां से ये एक और परावर्तित किरण होगा जो कि थीटा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण बराबर होता है। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। अब देख रहे हैं दोनों कोण मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है जो कि हमारा यहाँ इमेज प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई आई डैश। अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा माइनस यू। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वी। सारी डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब देख रहे हैं हमें यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक ओ ओ डैश पी, यहाँ हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ओ डैश पी और एक त्रिभुज हमें आई आई डैश पी प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज आई डैश आई और पी प्राप्त हो रहा है और दोनों का एंगल थीटा है और एक एंगल 90 का है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी हम लोग को पता होता है
कि लंब अपान लंब, बेस अपान बेस और कर अपान कर, अर्थात इसकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि लंब अपान लंब अर्थात आई आई डैश अपान ओ डैश इक्वल टू बेस अपान बेस, ये हो जाएगा हमारा माइनस वी अपान माइनस वी अपान माइनस यू, या लिख सकते हैं हम यहां से आई पी अपान ओ पी। अब यहां देख रहे हैं माइनस आई डैश अपान ओ ओ डैश इसका टू हो जाएगा हमारा आवर्धन एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपान एच ओ इसका टू वी अपान यू, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एच आई अपान एच ओ। हम देख रहे हैं कि जो यहां हमारा एच आई है अर्थात हाइट ऑफ इमेज है वो हमारा हो जाएगा निगेटिव और एच ओ जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए ये होगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, माइनस को हम उस साइड ट्रांसफर कर दिए। अब हमको पता है कि जो ये एच आई अपान एच ओ है वो हमारा किसके बराबर है एम के, अर्थात कह सकते हैं एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो ये था हमारा प्रूफ एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये हमारा जब आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की ऊंचाई नहीं दिया रहेगा केवल उसका डिस्टेंस दिया रहेगा तो इस फार्मूले से हम लोग आवर्धन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये जो हमारा आवर्धन है ये कॉनकेव मिरर के लिए था और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम यही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।